भैया लाल कागजों में मुर्दा हो गए, शासन की सारी सुविधाएं रुक गई। देखिए रीवा दर्शन की खास रिपोर्ट में जिंदा को मुर्दा बनाने की कहानी। जी हाँ, इसे कारनामा या चमत्कार ही कहेंगे। जो काम अभी तक भगवान ही करता था वो अब करने लगा है आम आदमी। अभी तक माना जाता था भगवान के अलावा दुनिया में किसी के पास भी ऐसी शक्ति नहीं जो मरे हुए को जिंदा कर सके, लेकिन शायद हम गलत थे। ये कारनामा हो सकता है नहीं, हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। भैयालाल द्विवेदी, जिनके पिता का नाम बाला प्रसाद है, भैयालाल बनकुइया रोड जेपी नगर के रहने वाले हैं। उनके पास उनका आधार भी उपलब्ध है। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है ये हम आपको बताते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो शख्स देख पा रहे हैं ये जिंदा आदमी नहीं है, ये है भैयालाल नाम के आदमी का भूत, जो रीवा कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आया हुआ है। इस शख्स को अपने गांव के सरपंच सचिव ने मृत घोषित कर दिया है, इसलिए उनकी वृद्धा पेंशन भी बंद हो गई है। गांव के सचिव सरपंच शायद मानते होंगे मृत व्यक्ति को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। आइए भैयालाल से जानते हैं पूरा मामला क्या है। मामला, हमको वृद्धा पेंशन मिलती थी, वो वृद्धा पेंशन बंद कर दिए हैं मृत घोषित करके ब्लॉक वाले। सेक्रेटरी सरपंच कुछ नहीं सुनते हैं, सेक्रेटरी से किया बात वो भी गाली बकते हैं, सरपंच गाली बकते हैं, काम नहीं करते हैं। कब से आपको पेंशन मिल रही है? पेंशन हमको बहुत साल से मिल रही थी सर, 7वां महीने से बंद हो गई। 10 साल से पेंशन मिलती थी सर।